नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इंग्लैंड और भारत के बीच में होने वाले T20 सीरीज के दूसरे मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 9 जुलाई 2022 को बर्मिंघम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेता इन दोनों टीमों के बारे में, तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं और दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम जेसन रॉय, जोस बटलर, डेविड मलर, लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक इनके बैट्समैन, मोइन अली, सैम करन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, क्रिस जॉर्डन, टाइम मिल्स, रीस टॉपली, मैथ्यू पर्किसन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों हैरी ब्रुक ने शानदार बैटिंग की थी, दोस्तों 28 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों मोइन अली ने 36 रन भी बनाए थे और दोस्तों 2 विकेट लिए थे, और दोस्तों क्रिस जॉर्डन ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, साथ में दोस्तों 26 रन की पारी भी खेली थी। लेकिन दोस्तों अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम इंडिया के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं 50 रन से और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, दीपक हुड्डा, ऋषि पंत, दिनेश कार्तिक इनके बैट्समैन, हार्दिक पांड्या, हर्षल पटेल इनके ऑलराउंडर प्लेयर, भुवनेश्वर कुमार, हर्षदीप सिंह, यजवेंद्र चहल इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 39 रन की पारी खेली थी, साथ में दोस्तों दीपक हुड्डा ने भी 33 रन बनाए थे और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, दोस्तों 51 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों 4 विकेट भी निकाले थे और दोस्तों मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और दोस्तों हो सकता है प्लेइंग 11 में कुछ चेंज रहे, क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव के भी 95% खेलने के चांस है, तो दोस्तों प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है इंडिया की में और भी ज्यादा। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 20 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों इंग्लैंड ने 9 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों भारत ने 11 मैच जीते हैं और इंग्लैंड का 200 रन का हाईएस्ट स्कोर है भारत के खिलाफ, जबकि दोस्तों भारत का 224 रन का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड का 80 रन का लोएस्ट स्कोर है इंडिया के खिलाफ, जबकि यार इंडिया का 120 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों इंग्लैंड ने 9 में से 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 7 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है, और दोस्तों भारत ने 11 में से 7 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 4 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। और दोस्तों इंग्लैंड अपने के लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में हार करा रहे हैं, जबकि 2 मैचों में जीत करा रहे हैं, और इंडिया अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 5 के 5 मैच जीत करा रहे हैं। और यार इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों को तो इंडिया ने जीते हैं, जबकि इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 10 मैचों में से 7 मैचों में इंडिया ने जीत दर्ज की है और इंग्लैंड ने ओनली 3 मैचों में जीत दर्ज की है। देखो यार यहां तक वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यह मैच बर्मिंघम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और दोस्तों यहां का ग्राउंड बहुत छोटा है, इसलिए दोस्तों यहां पर हाई स्कोरिंग मैच बनते हैं। और दोस्तों इस मैदान पर टीम इंडिया पहले 1 मैच खेल चुकी है, जिसमें दोस्तों इनको हार मिली थी, जबकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम इस मैदान पर 3 मैच खेले, जिनमें दोस्तों इनको 3 मैचों में जीत मिली है। दोस्तों आप पिच रिपोर्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्तों एक वीडियो मैंने पिच रिपोर्ट के लिए स्पेशली अपलोड की है, जाकर आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी दोस्तों आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत ज्यादा काम आएगी आपके और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी दोस्तों इस मैदान पर अभी तक टोटल ओवरऑल 12 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर 5 मैच जीते हैं और दोस्तों यहां पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ। दोस्तों का एवरेज स्कोर 161 रन का है यार, यहां का हाईएस्ट स्कोर 232 रन पर 6 विकेट का है, जबकि यहां का लोएस्ट स्कोर 110 रन पर 6 विकेट का है। दोस्तों यहां का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 5 बार, 150 से 169 के बीच में 2 बार, 170 से 189 के बीच में 2 बार और 190 प्लस भी यहां पर 3 बार स्कोर गया है। और दोस्तों यहां पर वेदर क्लियर रहेगा, यहां पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और दोस्तों यहां का ग्राउंड छोटा है, इसलिए दोस्तों यहां पर बल्लेबाजों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में आप ज्यादा बल्लेबाज रखना। बाकी दोस्तों आप मेरे से फैंटेसी टीम लेना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वहां पर मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट देता रहता हूं, साथ ही में दोस्तों वहां पर मैं आपको फैंटेसी टीम भी देता हूं और दोस्तों वहीं पर मैं आपको ठोस प्रेडिक्शन देता हूं। साथ ही में दोस्तों कभी हमारी मैच प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं और दोस्तों वहीं पर मैं आपको प्रत्येक मैच की ठोस होने के बाद में फैंटेसी टीम देता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना।
और यार देखो यार, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लेयर सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में होने ही होने चाहिए, जिनका नाम मैं दोस्तों यहाँ पर ले लेता हूँ। हार्दिक पांड्या, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और जोस बटलर, रोहित शर्मा, ये दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में होने चाहिए। बाकी दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम तो हम टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे ठोस होने के बाद में। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और दोस्तों टीम इंडिया एक मैच जीत भी चुकी है, सीरीज में 1-0 से आगे भी है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार 51% इस मैच को टीम इंडिया जीत सकती है, जबकि दोस्तों 49% इस मैच को इंग्लैंड जीत सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को टीम इंडिया ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलेंगे आपसे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक।